एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लड़कियों को लेकर समाज का एक बड़ा तबका भले ही प्रगतिशील होने का दावा करे, लेकिन कुछ माओं के लिए वे अब भी बोझ से अधिक नहीं है। इसकी एक बानगी सोमवार की देर शाम पटना जंक्शन पर दिखी, जब एक माँ महज 5 दिन की दुधमुहरी बच्ची को स्टेशन के वेटिंग हॉल में लावारिस छोड़कर चली गई। काफी देर तक बच्ची को रोता देख हॉल में बैठे यात्रियों का ध्यान उसकी तरफ गया, जिसके बाद उन्होंने आरपीएफ को खबर की। आरपीएफ ने जीआरपी के सहयोग से उसे नवजीवन नामक एक संस्था को सौंप दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात करीब 8 बजे प्लेटफॉर्म संख्या 10 के वेटिंग हॉल में छोटी बच्ची काफी जोर जोर से चिल्ला रही थी। यात्रियों के मुताबिक एक महिला उसे लेकर आई थी, लेकिन अचानक गायब हो गई। बच्ची को यात्रियों ने चुप कराने की भी कोशिश की, इसके बाद उन्होंने आरपीएफ को इसकी जानकारी दी। आरपीएफ इंस्पेक्टर वी एन कुमार ने बताया कि यात्रियों की सूचना पर बच्ची को कब्जे में लेकर उसे जीआरपी के हवाले कर दिया गया है। वहीं जीआरपी के इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि बच्ची के अभिभावकों की खोज की जा रही है। फिलहाल देखरेख के लिए उसे नवजीवन संस्था को सौंप दिया गया है।